प्रदेश में कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही एक्शन में नज़र आ रहे हैं। वो हर जिला हर मंडल में जाकर वहां पर बने कोरोना अस्पतालों की चेकिंग कर रहे हैं और खुद जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी बीच प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी और हॉस्पिटल में बेडों की कमी को लेकर कई बातें सामने आई, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी कई आरोप लगाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब योगी सरकार ने आर्मी मॉडल अपना लिया है, क्योंकि अब देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का नापाक मंसूबा पालने वालों को दबोचने वाली सेना की खुफिया इकाई इस आपदा के समय में अब उत्तर प्रदेश सरकार के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि सेना की खुफिया इकाई देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में अहम जिम्मेदारी निभाती है। आतंकी गतिविधियाँ इसके रडार पर रहती हैं। तो वहीं पिछले दिनों में जब प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी बढ़ी, तो इस इकाई को यह करने वालों को पकड़ने का भी टास्क दिया गया। अपने नेटवर्क से सेना की खुफिया इकाई ने जहां अयोध्या में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले अवैध रूप से चल रहे समर्पण अस्पताल को सील कराने में मुख्य भूमिका निभाई, तो वहीं आगरा और कानपुर की यूनिट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भी भंडा फोड़ किया। तो वहीं इसी तरह से लखनऊ में 45,000 रुपये में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाले एक गिरोह का भी राजफाश किया। इस तरह से आर्मी की खुफिया एजेंसी अब यूपी सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश में कालाबाजारी और इस तरह से गोरखधंधा करने वालों के पीछे पड़ चुकी है, जिससे प्रदेश में ना सिर्फ कालाबाजारी कम हो रही है बल्कि ज़रूरतमंदों को समय पर ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड भी मुहैया हो रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर और आर्मी के इस एक्शन को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर ज़रूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी खास खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। VK News UP। धन्यवाद।